लेकिन क्या स्थिति है क्राइम की, जो स्थिति पहले थी आज वो है क्या, आप जरा सा बता दीजिए। हर बार और हम लोगों ने जो ट्रायल से लेकर के एक एक काम करवाया, जांच वगैरह का सब का काम करवाया, और आपको मालूम है इन लोगों की स्थिति थी क्या, था नक्सलिज्म का भी जी, कौन सी स्थिति थी, हमने क्या किया 2006, हम लोगों ने 65 पंचायतों का चयन करवाया आपकी सरकार आपके द्वार, और जो सबसे प्रभावित उस तरह का इलाका था, पंचायत था, उन सभी पंचायतों में जाकर के एक एक ट्रेनिंग से लेकर के उस गांव के विकास का एक एक काम करवाया, और जब उसके लिए और सब काम किया गया, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे जिनको अधिकार दिया गया, तब जाकर के क्या स्थिति हो गई है, कितनी स्थिति बेहतर हुई, और जो क्राइम करते थे उनकी गिरफ्तारी और फिर ट्रायल, उसके चलते ये सब चीज घटा। इसलिए अब पहले कैसी स्थिति है, हम लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बनाया हर तरह से। कहां करते थे जी, अरे वोट जिसका चाहे मिल जाए, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जरा बता दीजिए कि पहले क्या हुआ था, क्या स्थिति रहती थी लोगों की। और हम लोगों ने जितना लोगों की सेवा की है, खिदमत की है, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति इंप्रूव की। अभी 2018 का निकला है, तक उसका निकला है, अब 2018 में क्या है जी अपराध का आंकड़ा, अब ये समझ लीजिए, राष्ट्रीय औसत दर देश भर का, नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत दर है प्रति लाख की जनसंख्या पर जो अपराध की संख्या है 383.5 है देश में औसत 1 लाख की आबादी पर, और बिहार का 1 लाख की आबादी पर औसत अपराध है 222.1, यानी बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है।